हेलो नमस्कार, फूड गुरु मल्होत्रा .com में आपका स्वागत है। आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो आज हम बनाते हैं कच्चे आम की नारियल लहसुन लाल मिर्च डाल के एकदम हेल्दी पौष्टिक चटनी। तो देखते हैं इसकी सामग्री। यह दो कच्चे आम है, इस तरह से एकदम कच्चा आम लेके हमने इसे धो के अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया। ये कुछ 15-16 लहसुन की कलियाँ हैं। ये एक छोटी कटोरी भर के सूखा नारियल है जिसे हमने बारीक क्रश करके भून लिया है। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है 2 से 2.5 चम्मच, और ये तीखा मिर्ची पाउडर है, और ये स्वाद अनुसार नमक है, और ये एप्पल साइडर विनीगर है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मिक्सर जार ले लेना है। इसके अंदर हमने ये कच्चा आम डाल देना है। इसे हमने खूब अच्छी तरह चॉप किया है, देखिए आप, ताकि इसकी चटनी बहुत बढ़िया बन जाती है, एकदम बढ़िया। इसे हम पूरा डाल देंगे इस तरह से। इसी के साथ हमने सूखा नारियल है, इसे भी डाल देना है, जिसे रोस्ट करके रखा है हमने, इसके अंदर डाल देना है। इसी के साथ हमने लहसुन की कलियाँ हैं, उन्हें भी डाल देना है इसके अंदर। इसके बाद हमने स्वाद अनुसार नमक डालना है। देखिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर कम हुआ तो डाल सकते हैं। हमने 1 चम्मच और ऊपर से 1/2 चम्मच और डाल देना है। और ये तीखी मिर्ची पाउडर है, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम डालिए। हम करीबन इसे 2 टीस्पून जितना डाल देंगे। और कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, जिसका कि कलर बहुत बढ़िया आएगा, ये हम पूरा डाल देंगे 2 चम्मच के आसपास। ये हमारा 1.5 से 2 चम्मच है। अब हमने क्या करना है, इसमें एप्पल साइडर विनीगर है, जिससे कि बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, और जो ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, और यह बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ये फल से बना हुआ है। बस इस तरह से हमने करीबन 1 एंड से कवर करके मिक्सर में चला लेना है। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत बढ़िया ग्राइंड करके हो गई हमारी चटनी, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही। अब हम इसे एक एयर टाइट कांच के कंटेनर में डालेंगे इस तरह से। हम इसमें स्टोर कर लेंगे चटनी को। बहुत ही अच्छी लग रही है खाने में भी, ये बहुत टेस्टी होगी। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बनी है ये चटनी। इसे आप आराम से 10 से 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए इस तरह हम इसमें पूरी चटनी भर देते हैं। इस तरह से हम ये चटनी इसमें डाल देंगे। और देखिए आप इसे दाल चावल, रोटी सब्जी या पराठा के साथ आराम से खा सकते हैं। आप इसे 15 दिन से 20 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमने एप्पल साइडर विनीगर डाला है, वह स्टोरेज का काम करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिससे कि चटनी एकदम फ्रेश रहती है। तो इस तरह से एक अलग टाइप की हेल्दी चटनी आप बनाइए, ट्राई कीजिए, देखिए आप बताइए हमें आपको ये चटनी कैसी लगी। तो चलिए अगली एक और रेसिपी के साथ आपको मिलती है नेहा मल्होत्रा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।